हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश की लिटरेचर बुक, जो कि एंगेजिंग इंग्लिश है, और इसका 19th यूनिट है एक पोम, अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस। हम ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन, समरी, पोएटिक डिवाइसेस और स्ट्रक्चर देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ योर चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला है क्विक रिकैप। यहाँ पे यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द पोम। जो आपने स्टोरी अभी पढ़ी है उसके बेसिस पे आपको ये करना है। द चिल्ड्रन हैड हंग देयर स्टॉकिंग्स बाय द, बच्चों ने अपनी स्टॉकिंग्स कहाँ पे टांगी थी? बाय द चिमनी विथ केयर। कहाँ टांगी थी? बाय द चिमनी विथ केयर। नेक्स्ट इज सेंटा केम इन अ, सेंटा किस में आए थे? मिनिएचर स्ले। मिनिएचर मतलब होता है वेरी स्मॉल। ड्रॉन बाय 8 टाइनी रेनडियर। रेनडियर्स नहीं होता, रिमेंबर, हाँ डियर का प्लूरल डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता, तो रेनडियर ही लिख के आना। द कोसोस फ्लू, कहाँ पे? अप टू द हाउस टॉप। कहाँ पे उड़ के गए वो? अप टू द हाउस टॉप। सेंटा क्लॉज held a dash between his teeth. दांत के बीच में उन्होंने क्या दबा के रखा था? Stump of a pipe. Stump of a pipe. His belly wobbled like, उनकी जो belly थी वो कैसे हिल रही थी, कैसे wobble कर रही थी? A bowl full of jelly. Like a bowl full of jelly. ये हो गए हमारे answers. Next question देख लेते हैं. Describe how the inmates of the house had settled down for the night. अब हमें ये बताना है कि घर के जितने भी लोग थे वो रात में कैसे settled down हो गए थे, मतलब सोने की तैयारी जब वो कर रहे थे तो क्या किया था उन्होंने। The children were settled cozily in their bed with dreams of sugar plums dancing in their heads. तो जितने भी बच्चे थे वो अपने बेड में एकदम आराम से कंफर्टेबली जो है लेट गए थे, और उनके दिमाग में क्या आ रहे थे? शुगर प्लम्स के जो है इमेजेस आ रहे थे, जो डांस कर रहे थे, ड्रीम्स आ रहे थे। द नरेटर, यहाँ पे भी हम अगेन मॉम लिखेंगे, जो नरेटर की जो मॉम थी, द नरेटर्स मॉम स्लेप्ट विद हर कर्चीफ। तो नरेटर की जो मॉम थी उन्होंने कपड़ा अपने मुंह में रख लिया था, जैसे यूजुअली होता है जब आप सो रहे होता है कि लाइट आपको परेशान ना करे। एंड द नरेटर विद हिज हैट ऑन हिज फेस, और जो हमारे नरेटर हैं, जो एक छोटा बच्चा है, उसने अपनी हैट को अपने फेस पे रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ द नरेटर। नरेटर की स्लीप को किसने डिस्टर्ब किया था? सो द नरेटर वोक अप एज ही हर्ड अ क्लैटर आउट ऑन द लॉन। नरेटर की नींद को किसने डिस्टर्ब किया था? जब उन्हें बाहर लॉन में कुछ क्लैटर की आवाज़ आई, मतलब कोई डिस्टर्बेंस की आवाज़ आई। हाउ डिड द विजिटर्स व्हीकल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। विजिटर का जो व्हीकल था वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रहा था? द विजिटर्स व्हीकल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अ मिनिएचर स्ले कैरीड बाय 8 टाइनी रेनडियर। वो एक मिनिएचर स्ले में मूव कर रहा था जिसको 8 छोटे छोटे रेनडियर जो थे पुल कर रहे थे। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द विजिटर। अब जो विजिटर कौन है यहाँ पे? सेंट निकोलस, मतलब सेंटा क्लॉस। इनका अपीयरेंस कैसा था वो बताएंगे। द विजिटर वॉज ड्रेस्ड ऑल इन फर एंड हिज क्लोथ्स वर डर्टी इन एशेज एंड सूट। विजिटर जो थे उन्होंने सर से लेके पैर तक फर के कपड़े पहने हुए थे, उनके पूरे कपड़े जो थे वो डर्टी हो चुके थे। क्यों? बिकॉज ऑफ राख, जो ऐश थी और सूट था उसकी वजह से। ही हैड ट्विंकलिंग आईज विथ डिम्पल चीक्स। अब सूट क्या होता है? ये जो आप जब जलाते हो लकड़ी तो जो काला काला आता है ना, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप दिया भी अगर जला रहे हो, दिए के ऊपर अगर आप हाथ रखोगे या कुछ रखोगे तो उसमें ब्लैक कलर का कुछ जमा हो जाता है, उसे हम सूट कहते हैं। तो फायर प्लेस में यूजुअली बहुत सारा काला काला सूट होता है, तो इसलिए वो पूरे सूट और ऐशेस में कवर्ड थे। ही हैड ट्विंकलिंग आईज विद डिम्पल चीक्स। उनकी आँखें एकदम चमकदार थी और उनके डिम्पल चीक्स थे। He also had a beard as white as snow. उनकी एक बहुत बड़ी सी दाढ़ी थी जो कि एकदम स्नो जितनी वाइट थी। He held a stump of pipe in his teeth. और उन्होंने अपने दांतों के बीच में एक पाइप दबा के रखा था। He had a broad face and a little round belly that shook like a bowl of jelly when he laughed. उनकी एक बड़ी सी बेली थी जो जेली की तरह हिलती थी जब वो हंसा करते थे। He carried a bundle of toy on his back. सो बंडल ऑफ टॉयज जो था वो उन्होंने अपने पीछे कैरी किया हुआ था एक सैक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द नरेटर। reassured that there was nothing to dread. अब narrator को कैसे पता चला कि घबराने की कोई बात नहीं है. A wink of the visitor's eye and a twist of his head reassured the narrator that there was nothing to dread. तो जैसे ही उसने हंस दिया था ना सांता क्लॉस पे उनको देख के, तो क्या हुआ, उन्होंने विंक किया सांता क्लॉस ने और अपने हेड को ट्विस्ट किया, ऐसे किया और विंक किया, तो उससे उनको पता चल गया कि डरने की कोई बात नहीं है. नेक्स्ट इज राइट डाउन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज फ्रॉम द पोएम एंड एक्सप्लेन देम इन योर ओन वर्ड्स. अब दो सिमिलीज क्या हैं, जैसा है ही हैड अ ब्रॉड फेस एंड अ लिटिल राउंड बेली दैट शुक व्हेन ही लाफ्ड लाइक अ बोल फुल ऑफ जेली. तो यहाँ पे जो है नरेटर जो है वो क्या कर रहे हैं, सेंट निकोलस की जो बेली है उसको एक बोल ऑफ जेली से कंपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज अवे टू द विंडो आई फ्लू लाइक अ फ्लैश. अब यहाँ पे वो जो है उसकी स्पीड को कंपेयर करें जिससे वो विंडो की तरफ दौड़ते हुए गए थे, उसको किससे कंपेयर करें, फ्लैश ऑफ लाइट से कंपेयर करें. वाई डिड द विजिटर ले हिज फिंगर ऑन द साइड ऑफ हिज नोज. उन्होंने सांता क्लॉस ने अपनी नाक के धर पे हाथ क्यों रखा था. ही लेड हिज फिंगर ऑन द साइड ऑफ द नोज टू गो आउट ऑफ द हाउस थ्रू द चिमनी. उन्होंने यहाँ इसलिए हाथ रखा था क्योंकि चिमनी से अब उन्हें वापस भी जाना था. As he laid his finger aside of his nose and gave a nod. जैसे उन्होंने अपनी फिंगर को नाक के बगल में रखा और एक नॉट दिया, he rose up to the chimney. तो मैजिकली वो जो है चिमनी के ऊपर चले गए. अब है from whose perspective has the poem been written? Why does it make the poem special? अब ये जो पूरी पोएम है ये किसके पर्सपेक्टिव से, मतलब किसके ओपिनियन से लिखी गई है और ये इसको इतना स्पेशल क्यों बनाता है. द पोएम हैज़ बीन रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड हु सीज सांता क्लॉज ऑन क्रिसमस ईव. सो जो पूरी पोएम है ये एक चाइल्ड के नज़रिए से लिखी गई है जो कि सांता क्लॉज को क्रिसमस ईव पे देखता है. इट मेक्स द पोएम स्पेशल एज चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड हैव ग्रेट इमेजिनेटिव स्किल्स विच मेक्स द पोएम एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. अब ये जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये इस पोएम को इसलिए स्पेशल बनाता है क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और उनकी इमेजिनेटिव, उनके जो ख्याली पुलाव जो पकाते हैं वो बड़े अच्छे पकाते हैं, मतलब उनकी इमेजिनेटिव स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीलिंग्स यू कुड एसोसिएट विद सांता क्लॉज एंड क्रिसमस. क्रिसमस और सांता क्लॉज के साथ आपकी कौन सी फीलिंग को आप एसोसिएट कर सकते हो. सो सांता क्लॉज एंड क्रिसमस इवोक्स, इवोक्स मतलब बताना, निकालना, द फीलिंग्स ऑफ होप, लव, हैप्पीनेस एंड फन. इट मेक्स द फेस्टिवल स्पेशल फॉर एवरीवन. अब है वर्ड्स रिलेटेड टू क्रिसमस, वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं. तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको सारे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ क्ल्यू दिया हुआ है. तो जैसे आप बोल रहे हो अ लार्ज बर्ड ट्रेडिशनली ईटन ऑन क्रिसमस, एक बड़ी सी बर्ड जिसको क्रिसमस पे खाया जाता है, दैट इज़ व्हाट, इट इज़ अ टर्की. क्या है वो, एक टर्की. आंसर क्या हो जाएगा, टर्की. नेक्स्ट इज अ ग्लिटरिंग मटेरियल यूज एज डेकोरेशन. डेकोरेशन में जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं टिंसिल. क्या बोलते हैं, टिंसिल. सांता क्लॉज यूजेस दिस टू एंटर द हाउस. सांता क्लॉज कहाँ से एंटर करते हैं, चिमनी. उसके बाद है द डे आफ्टर क्रिसमस. क्रिसमस के नेक्स्ट डे को क्या कहते हैं, बॉक्सिंग डे. द नेम ऑफ वन ऑफ सांता's रेंडियर. सांता के रेंडियर का नाम क्या था, एक रेंडियर का नाम था ब्लिजन. द ओकेजन ऑफ क्राइस्ट बर्थ. क्राइस्ट के बर्थ को क्या बोलते हैं, नेटिविटी. क्या बोलते हैं, नेटिविटी. ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट ग्रामर पार्ट में, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स. वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द वे दे फॉर्म देयर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तो किस तरीके से जो वर्क है, जैसे आपने मैंने लिखा गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, या मैंने लिखा कॉल कॉल्ड कॉल्ड. अब आप देखो पहले वाले में पूरा सब कुछ चेंज हो गया, दूसरे में सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है, राइट. तो वीक वर्ब्स या जो रेगुलर वर्ब्स जिसे आप कहते हैं वो क्या होता है, उनका पास्ट टेंस में सिर्फ आप ईडी, डी या टी लगा देते हो और दोनों सेम होते हैं, लाइक कॉल कॉल्ड कॉल्ड, वॉक वॉक्ड वॉक्ड, डेकोरेट डेकोरेटेड डेकोरेटेड. लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या जिनको आप इरेगुलर वर्ब्स कहते हो उसमें क्या होता है, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में वो अपना जो है किसी ना किसी तरीके से फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जैसे कि गो वेंट गॉन, गिव गेव गिवन, राइज रोज राइजन. तो जो फॉर्म चेंज कर लेते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं, जो नहीं करते उन्हें हम वीक वर्ब कहते हैं। तो अब आपको ये टेबल जो है कंप्लीट करना है। लेट्स सी, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ये कौन सा वर्ब है? ये है इरेगुलर। हैंग, हंग, हंग, ये रेगुलर है। अराइज, अरोज, अराइजन, ये इरेगुलर है। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, ये भी इरेगुलर है। नो, न्यू, नोन, ये भी इरेगुलर है और ये भी इरेगुलर है। हंग वाला क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे भी आप एक उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो, ई डी, डी या टी नहीं लगाया आपने, ये भी इरेगुलर है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, शेक, शुक, शेकन एंड नो, न्यू, नोन, ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब आते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द टॉटेड फॉर्म ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में ये जो जितने हमने वर्ड्स लिए हैं इनसे हमें वर्ड चूज करके यहाँ लिखना है। आई विल शो यू द आंसर्स। द फायरमैन स्प्रैंग इनटू एक्शन, मतलब एक्शन सीन में जहाँ भी आग लगी थी वहाँ वो एकदम छलांग मारते हुए गए, मतलब एकदम से चले गए। आफ्टर दे वर इन्फॉर्म्ड ऑफ एन एक्सीडेंट इन द लोकेलिटी, जैसे उन्हें पता चला उनके आसपास हुआ है तो सब लोग एक्शन, मतलब सब लोग जो है फटाफट तैयार हो गए निकलने के लिए। I have known her since childhood. We have always been the best of friends. मैं उससे बचपन से जानती हूँ, हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। The money had to be drawn from the ATM as he ran out of cash. ATM मशीन से पूरा कैश निकालना था, मतलब निकालना पड़ा। Drawn मतलब होता है निकालना, क्योंकि उसके पास कैश खत्म हो गया था। The little boy shook piggy bank to check if he had any coins in it. Little boy ने shook किया, शेक मतलब ही शुक हिज पिगी बैंक, क्यों? ये देखने के लिए कि क्या उसके पास किसी भी तरीके के कोई कॉइन्स थे या नहीं थे। आंट पॉली हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, आंट पॉली ने वॉल पे पिक्चर टांग दी। ओके, अब हम डिक्शनरी पार्ट में आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या पता है, एक जो वर्ड है वो नाउन की तरह भी एक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, राहुल लुक्ड एट द चॉकलेट लॉन्गिंगली, उसने देखा, तो यहाँ वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। सोनिया गेव हर फ्रेंड रितेश अ हर्ट लुक, यहाँ वो नाउन की तरह, क्योंकि उसने कुछ दिया तो वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है, हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट What parts of speech they can be used as? जैसे हर वर्ड हर तरीके से यूज़ नहीं हो सकता, तो जो आपका heads है वो noun की तरह यूज़ हो सकता है, verb और adjective तीनों तरीके से। Matter सिर्फ noun और verb, leaves भी noun और verb, top जो है वो noun और verb, लेकिन mount जो है वो noun verb, sorry top जो है वो adjective की तरह भी यूज़ हो सकता है, mount सिर्फ noun और verb की तरह यूज़ हो सकता है। Okay? And here we are done with this chapter. Thank you so much for watching the video. I hope आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स की ये वेबसाइट है magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सेलेक्ट द क्लास, क्लास के अकॉर्डिंग आपको जो है सारा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, और इस तरीके से आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। एंड अनदर गुड न्यूज़ विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स ने अब अपना हिंदी चैनल लॉन्च किया है, जहाँ पे हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स अब जो हैं जाके अपना कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब उन्हें कंटेंट के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू गो डू इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाना है, सब्सक्राइब करना है, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्दी 20th चैप्टर के साथ, जो कि है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले। टेक केयर, बाय।